वो एक नौकर था, उसकी प्रेमिका उसे ताने देती थी, उसे बड़ा आदमी बनाना था। फिर उसने एक अखबार पढ़ा, टीवी चैनल में एक कत्ल की साजिश देखी और उसने प्लान बनाया कि भाई भी ऐसा ही कत्ल करेगा, भाई भी बड़ा आदमी बनेगा। भाई जिसके यहाँ नौकर था उसी मालिक और उसके नाबालिग बेटे की उसने हत्या कर दी। इस खबर में एक बात जान ले, अगर आपकी कमाई और पैसों की जानकारी आप अपने नौकर को बताते हैं या नौकर के सामने व्यापार का लेन देन करते हैं तो सतर्क हो जाएं। आज हम गाजियाबाद के लोनी की वो वारदात आपको सुना रहे हैं जिसको देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। इस कातिल को देखें, इसका नाम महरोज है। यह गाजियाबाद के लोनी के ट्रानी का सिटी कासिम बिहार कॉलोनी के फर्नीचर कारोबारी नईमुल हसन के यहाँ नौकर था। यह फर्नीचर का काम देखता था और कभी कभी यह अपने मालिक के घर सो जाया करता था। इसकी प्रेमिका थी, उसे नौकर की यह नौकरी पसंद नहीं थी। उसकी प्रेमिका कातिल को बिजनेसमैन के रूप में देखना चाहती थी। प्रेमिका के बस में आकर महरोज ने एक धंधा भी देख लिया। उस धंधे में उसे 4 लाख रुपए की जरूरत थी। उसने बहुत से लोगों से पैसा उधार मांगा लेकिन उसकी बात नहीं बनी। फिर महरोज ने देखा कि नईमुल हसन यानी उसके मालिक के पास 4 से 5 लाख रुपए आया है। लेन देन इसी नौकर के सामने हुआ है। फिर उसने लोनी के एक तहरे मर्डर की कहानी और दास्तां अखबार और टीवी चैनल में देखी। कहा कि हम इसी तरह से मर्डर करेंगे। अखबार और टीवी चैनल के माध्यम से उसे कत्ल करने के आईडी आए। उसी को देखकर 16 सितंबर को वो मालिक के घर में सोया। सुबह की अजान की आवाज सुनकर वह जागा और धार धार हथियारों से नईमुल हसन के साथ उसके बेटे की हत्या कर दी। उसके कपड़े खून से रंग गए थे। उसने मृतक के कपड़े पहने और मृतक के मोबाइल पर लालच खा गया, पैसे खंगाले लेकिन उसे 5 लाख रुपए नहीं मिले बल्कि 12,000 उसके हाथ लगे। बहनी पैसों को लेकर फरार हो गया। लेकिन कहते हैं कातिल कोई ना कोई गलती जरूर करता है। मृतक के मोबाइल पर लालच खाकर उसने मोबाइल रख लिया। बस यही हरकत उसे सलाखों के पीछे पहुंचा गई। इस मामले में 2 सीखें हमें मिलती हैं। एक, नौकर के सामने लेन देन नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ औरत से प्रेम लाभ करो लेकिन उसकी जिद के पीछे अपनी हैसियत और औकात देखकर काम करना चाहिए। नहीं तो कोई नईमुल हसन जैसा मारा जाता है, नहीं तो कोई महरोज जैसा कातिल बन जाता है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।